नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। एक तरफ कोविड-19 पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, तो दूसरी तरफ कोविड-19 को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो तीसरी तरफ मलेशिया में कोविड-19 को लेकर सरकार और राजा में ठन गई है। मलेशिया के पीएम ने कोविड-19 के लिए मलेशिया में आपातकाल का प्रस्ताव लाया था, लेकिन पीएम के फैसले को सम्राट ने खारिज कर दिया है। विदेशी मीडिया की माने तो रविवार को प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन ने कोरोना वायरस से बचने के लिए देश में एक नए आपातकाल को लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे वहां के सम्राट ने खारिज कर दिया है। देश में आपातकाल के प्रस्ताव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री यासिन के इस प्रस्ताव के तहत संसद को निलंबित करने की योजना भी शामिल थी। आलोचकों का कहना है कि चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया है। उधर प्रधानमंत्री यासीन ने सोमवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यासीन सम्राट के अनुरोध पर चर्चा करेंगे। यहां पर जानकारी देते चलें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री यासीन ने सम्राट से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री यासीन ने चुप्पी साध ली थी और कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया था। रविवार को सम्राट ने शाही परिवार के अन्य सदस्यों से परामर्श के बाद अपना बयान जारी किया। राजमहल से जारी बयान में कहा गया है कि सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह की राय है कि मलेशिया के किसी भी हिस्से में आपातकाल की जरूरत नहीं है। सुल्तान अब्दुल्ला ने यासीन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम है। सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को बेहतर ढंग से रोका है। वहीं राजा और पीएम के बीच रस्साकशी को विपक्ष ने हथियार बना लिया है और अब धड़ाधड़ बयान देकर सरकार को घेर रहे हैं। यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि सम्राट ने प्रधानमंत्री यासीन की योजना को खारिज कर दिया है। ये प्रस्ताव देश को एक नए राजनीतिक संकट में डाल सकता था। सम्राट का ये कदम देश की भलाई के लिए है। अब प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। विपक्षी विधायक वोंग चेन ने कहा कि सम्राट ने प्रधानमंत्री के दुर्भावनापूर्ण प्रस्ताव को खारिज करके देश हित में काम किया है। उन्होंने भी पीएम के इस्तीफे की मांग की है। अब देखना होगा कि आगे मलेशिया में किस तरह घटनाक्रम बदलता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो राजनीति गर्मा गई।